तो तुमने फाइनली डिसाइड किया है कि तुम ट्रैक पे जाना चाहते हो, बहुत अच्छा डिसीजन है। और अब तुम कन्फ्यूज हो क्योंकि तुम्हारी ये जहाँ तक है पहली या दूसरी ट्रैक है, और तुम कन्फ्यूज हो कि तुम्हें क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए ट्रैक के लिए, ताकि ना तो तुम ओवर प्रिपेयर्ड रहो ना तुम अंडर प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, अब ट्रैक पे क्या क्या सामान ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रैक पे जा रहे हो, दैट इज़ स्नो ट्रैक, विंटर ट्रैक या फिर अपना मानसून ट्रैक। और इस चीज़ पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आप किस एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, और काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड हर एक तरह की ट्रैक की एक अलग चेकलिस्ट हो सकती है मेरे हिसाब से तो। बट अभी इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ों की जो किसी भी ट्रैक के लिए असेंशियल ही असेंशियल हैं। मतलब इस इन चीज़ों के बिना किसी भी ट्रैक पे जाना, या तो आप अपनी अपने बॉडी में किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा पेन दोगे, राइट, या फिर आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करोगे। तो बहुत ज़्यादा जो असेंशियल चीज़ें हैं जिनके बिना ट्रैक को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी लें या अपने किसी दोस्त से अरेंज करें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रेंट पे भी ले सकते हैं। जो जो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ इनका कोई ऑर्डर नहीं है, हर चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शूज़ से। ठीक है, ट्रैकिंग शूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रेंट पे लो, क्योंकि जो रेंट पे शूज़ मिलते हैं ना आपको बेस कैंप वगैरह पे, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। उनका जो सोल होता है जूते के अंदर, जो सोल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उससे आपके पैरों में भी दर्द रहता है, एंड ना ही वो ज़्यादा अच्छे से वाटर प्रूफ होते हैं, या फिर उनका क्या कहते हैं सोल इतना कुछ ज़्यादा खास फ्रिक्शन वाला नहीं होता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं रिकमेंड करूँगा, या तो आप अपनी खुद की लें या फिर आप अपने किसी दोस्त वगैरह से अरेंज करें, बेसिकली अच्छी क्वालिटी की लें। ठीक है, अगर आप वंस इन अ वाइल्ड ट्रैक पे जाने वाले हो, रेगुलर नहीं हो, तो कोई सेंस नहीं बनता 3-4 हज़ार रुपये का नया जूता लेने का। उस केस में आप अपने किसी दोस्त से अगर अरेंज कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर कोई ऐसा जूता ले पाएँ जो मल्टीपर्पज़ हो, मतलब आप ट्रैक पे भी पहन पाएँ और उसके बाद आप अपने डेली लाइफ में भी उसको पहन पाएँ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत सही रहेगा। एक दो चीज़ें जूता लेते टाइम जो बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए, सबसे पहले कोशिश करना कि उसका जो एंकल सपोर्ट है वो लंबा हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ट्रैक की जो ट्रेल होती है ना वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, तो उसमें कभी आपका पैर ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना ये आपकी एंकल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दूसरा एक चीज़ कि जब भी आप जूता लें, चाहे आप रेंट पे लें चाहे आप कैसे भी लें, हमेशा कोशिश करें कि जो जूता जो आपका परफेक्ट साइज़ है उससे हमेशा 2 उंगली का गैप हमेशा होना चाहिए आगे। बिकॉज़ होता क्या है कि जब हम ट्रैक करते हैं तो हमारी उंगलियाँ कभी कभी सूज जाती हैं, एंड अगर उस टाइम अगर जूते के अंदर स्पेस नहीं होता है वो सूजे हुए पार्ट को अपने अंदर रखने का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये बात थी हमारी शूज़ की। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा रक्सैक। ठीक है, रक्सैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड रक्सैक एक ऐसी चीज़ है जो आपको रेंट पे भी मिल जाता है। और रक्सैक मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप ऐसा लें जिसके पीछे एक मेटल की प्लेट हो, क्योंकि काफ़ी बार चढ़ते टाइम जो होता है ना कि ये जो एक मेटल की प्लेट होती है ना, ये बहुत ज़्यादा जो वेट होता है बैक का उसको हमारे बॉडी के इस वाले पॉइंट पे जो हमारा हिप जॉइंट होता है वहाँ पर उस वेट को डाल देती है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर्स पे दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा बैग जो बैक के वेट को बहुत ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे तो बहुत अच्छी बात है ट्रैक पे जाने के लिए, वरना आपके शोल्डर्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्द हो सकता है। एंड अगर आपकी ट्रैक 3-4 दिन की है तो वो दर्द आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मुश्किल कर देगा आपके लिए ट्रैक करना। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम आते हैं ट्रैकिंग पोल पे। ठीक है, ट्रैकिंग पोल एक ऐसी चीज़ है बहुत सस्ती मिलती है सबसे पहली बात तो, और अगर आप लेना भी नहीं चाहते तो इसको आप कहीं से भी रेंट पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ट्रैकिंग पोल सबसे ज़्यादा अगर आपके जो घुटने हैं ना, इतनी दुआएं देंगे आपको अगर आप ट्रैकिंग पोल लेके जाते हो, क्योंकि काफ़ी बार जब आप उतर रहे होते हो, ठीक है, इसका मेरे हिसाब से तो मेन यूज़ तभी होता है जब हम उतर रहे होते हैं ट्रैक से, तो जब आप उतर रहे होते हो ना, तो जब आपने मतलब एक स्टेप नीचे रखा तो जो सारा वेट होता है बैक का आपका वो सब आपके घुटने पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपना पैर नीचे रखने से पहले अगर ट्रैकिंग पोल को नीचे रखें और उसके ऊपर वेट डालकर फिर नीचे उतरें, तो आपके पैरों पे और आपकी नीज पे बहुत कम वेट जाता है, एंड उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है।
अगली चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा जो कि असेंशियल है वो है एक बहुत अच्छी जैकेट, ठीक है। बहुत अच्छी जैकेट डीकैथलॉन वगैरह पे मिल जाती हैं, और जैकेट्स ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ हो ही जाती हैं। देखो जैकेट्स की ज़रूरत क्या होती है, जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं तब आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम आप खुद आपकी बॉडी बहुत गर्म होती है, आप बहुत स्वेट कर रहे होते हो, तो उस टाइम तो जैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब आप अपने कैंप साइट पर पहुँच जाते हो तब 2-3 मिनट तो आप ठीक रहोगे, फिर जैसे ही बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होनी शुरू होगी तब आपको ठंड लगनी शुरू होगी, ठीक है। एंड अगर आप ट्रैक पर जा रहे हो इंडिया में खासकर, तो आप किसी भी ट्रैक पे किसी भी मौसम में चले जाओ, अगर आप एक हाइट पे जाते हो तो वहाँ पे ठंड लगती ही लगती है, और रात के टाइम तो बहुत अच्छी ठंड हो जाती है। तो उस टाइम के लिए एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है कि आप एक अच्छी सी जैकेट अपने पास रखें। जैकेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, एक तो एटलीस्ट 0 डिग्री तो वो होनी चाहिए टेम्परेचर में, कि 0 डिग्री तक का टेम्परेचर आपका वो हैंडल कर पाए। एंड दूसरी चीज़ कि उसका वेट बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रैक कर रहे होगे तो वो जैकेट आप पहन के नहीं ट्रैक करोगे, वो जैकेट आपके बैग में होगी। तो अगर कोई ऐसी जैकेट है जो आपके सामान में कम से कम वज़न डाले तो हमेशा वो प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। अगली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आप पहाड़ों पे जा रहे हो, ठीक है, एंड मौसम का कोई भी वहाँ पर वो नहीं रहता कि कब कौन सा मौसम हो जाए, चाहे आप समर ट्रैक पे चले जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि कब मौसम बदल जाए। तो हमेशा आपके पास एक पोंचो होना चाहिए, पोंचो सस्ते भी बहुत आ जाते हैं, पोंचो आप रेंट पे भी ले सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बट होता क्या है कि जब बेसिकली आपका गोल होना चाहिए कि आप कम से कम अपने आप को गीला करो ट्रैक के टाइम पे, क्योंकि बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जब आप कैंप साइट पे पहुँचते हो और आपके अगर कपड़े गीले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। एंड बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है ट्रैक पे ठंड को फील ज़्यादा करना, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं होती हर जगह। तो पोंचो इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये बहुत लाइट वेट होता है, इसको आप बैग में डाल के भूल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप 1 टाइम ट्रैकर हो, 2 टाइम ट्रैकर हो, तो फिर आप इसको रेंट पे भी ले सकते हो। ये ज़्यादातर बेस कैंप्स पे आपको रेंट पे मिल जाता है 50-60 या 100 रुपये तक के अंदर, ठीक है। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा असेंशियल है मेरे हिसाब से वो है आपके सॉक्स या फिर आपके अंडरगारमेंट्स, ठीक है। देखो नॉट जस्ट सॉक्स, बेसिकली मल्टीपल पेयर ऑफ सॉक्स, मल्टीपल अंडरगारमेंट्स, क्योंकि बात ऐसी होती है जो आपके बाहर के कपड़े होते हैं जैसे जैकेट हो गई, इनफैक्ट टी शर्ट्स वगैरह भी, उनको आप रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं करोगे। अगर आपकी 4 दिन की ट्रैक है ना, तो जैकेट तो आप चेंज ही नहीं करोगे, और टी शर्ट हो सकता है आप पूरी ट्रैक के ड्यूरेशन में सिर्फ एक बार चेंज करो। बट जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, जो अंदर के कपड़े होते हैं, और जो सॉक्स वगैरह होते हैं, वो हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप रोज़ चेंज करें, क्योंकि जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। एंड उस स्वेटिंग में क्या होता है कि जब स्वेट होता है, फिर जब वो स्वेट सूखता है तो स्वेट सॉल्टी होता है, राइट। एंड जब वो स्वेट सूखता है तो उसका पानी उड़ जाता है, बट जो सॉल्ट होता है वो हमारी बॉडी पे सारा चिपचिपा सा बहुत अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग दे देता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप जितने दिन के ट्रैक पर जा रहे हो एटलीस्ट उतने अंडरगारमेंट्स रखो ही, और सॉक्स के पेयर्स भी, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है, आते भी सस्ते हैं जो भी आप पहनते हो, और क्या कहते हैं, वज़न भी हल्का होता है, बैग के कोने में डाल के भूल जाओ क्या फ़र्क पड़ता है, यूज़ हुए नहीं हुए, बट यू शुड ऑलवेज हैव देम। वन मोर थिंग जो मैं इसी कैटेगरी में ऐड करूँगा वो तो है सबसे पहले एक टोपी सर पर ढकने के लिए। कैंप साइट पे कान नाक इन सब जगहों से जो ठंड अंदर जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरी ठंड होती है, और लास्ट थिंग यू वांट कि आप मतलब एक अच्छे खासे एल्टीट्यूड पर वहाँ पे आपको बुखार हो जाए। आई डोंट थिंक आप इस चीज़ को चाहोगे। अगली चीज़ जो मैं कहूँगा, ये सब इसी कैटेगरी में आती है बाय द वे, एक बाराक्लावा, ठीक है। ये जो होता है ना, अगर आपने कभी बाइकर्स वगैरह को देखा हो तो वो पहन के जाते हैं बाराक्लावा रोड वगैरह पे, रोड ट्रिप वगैरह पे। ये मुझे एक टाइम तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था, बट रिसेंटली जब मैं सरपास ट्रैक पे गया था, तो वहाँ पे क्या था, जब हम पास पे पहुँच गए थे ऑलमोस्ट 13,800 फीट्स की हाइट पे, वहाँ पे क्या हुआ था कि उस पर्टिकुलर दिन पे वहाँ पे तूफ़ान था, एंड बर्फ़ जो है ना, बर्फ़ के जो छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं वो उड़ रहे थे, एंड उस टाइम मेरे पे बाराक्लावा नहीं था, तो मैं उसी हवा में सांस ले रहा था। एंड इवेंचुअली जब तक मतलब हम पास करके नीचे आए, मेरा गला अंदर से इतना ज़्यादा छिल चुका था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, किसी भी चीज़ को पानी तक सटकते हुए मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उस दिन मेरे को लगा कि नहीं भाई, बाराक्लावा तो होना चाहिए, ताकि अगर
हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है या फिर ऐसी स्नो स्टॉर्म वाली सिचुएशन है, तो उस केस में आप इसको अपने मुंह पे ढक दो और सांस इसके थ्रू लो, तो ताकि जो ठंडी हवा एकदम जो आपके गले को डैमेज कर सकती है वो हवा आपके मुंह में ना जाए, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इस वीडियो की जो मैं कहूँगा कि आपके पास होनी ही चाहिए वो है अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ठीक है। एक ग्लव्स का पेयर आपके पास बिल्कुल होना ही चाहिए जब आप ट्रैक पे जाते हो। वंस अगेन इसकी ज़रूरत आपको ट्रैक के टाइम पे नहीं पड़ेगी, बट जब आप कैंप साइट पे पहुंच जाओगे, खासकर जब आप सुबह उठते हो, तो मतलब अगर आप हाथ भी धोते हो कुछ भी करते हो तो मतलब इतना ज़्यादा ठंडा वहाँ पर पानी होता है। हमारे हिमाचल में तो हर चीज़ मतलब पानी वगैरह एकदम माउंटेन से वहीं से बर्फ़ पिघल के आ रहा होता है ज़्यादातर पानी, तो उस केस में क्या होता है कि ग्लव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस होती है, ठीक है। तो ये कुछ आई थिंक 6-7 चीज़ें थी जो मैं कहूँगा आप किसी भी ट्रैक पे जा रहे हो, किसी भी मौसम में जा रहे हो, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ट्रैक पे डिपेंड करती है या आप किस मौसम में जा रहे हो उस पर डिपेंड करती है, उन चीज़ों से रिलेटेड हम अलग से एक वीडियो, अलग से एक डिस्कशन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं।